कहा था ना ये होती है बॉयज की असली मूवी। डूड आई गेस ही असली मजे तो ये भी ले रहा है। सेट का है? पता नहीं यार कहीं चला गया होगा। रो पता मैंने ऐसी फिल्म पहले कभी नहीं देखी। कहा था लाइफ में कुछ चीजें फर्स्ट टाइम होती हैं। तो एंजॉय कर रहा है ना? कर रहा है ना एंजॉय? हाँ हाँ नहीं हाँ मतलब कह सकते हैं। अबे यार अबे रोहित इन बच्चों को लेके आ गए यहाँ पे यार। प्लीज टेक हिम अवे नाउ। ब्रो हाँ उसे क्या हो गया? उल्टी क्यों कर दी उसने? Because he's a kid. उसको छोड़ तो अपना enjoy करना। Enjoy कर। Bro, तुझे पक्का पता है ना हम ये सब जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है? Are you mad, bro? Life की reality है ये। तू बच्चा है क्या? नहीं। चुपचाप बैठ बस मूवी देख। ठीक है बोल रहा है तो सही होगा। ब्रो मेरे साथ रहेगा ना तो लाइफ में अच्छी चीजें मिलेंगी समझा? आगे देख बहुत कुछ देखना बाकी है। थैंक यू ब्रो तूने मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर लिया बहुत सही है। वैसे पूरी फिल्म ना मिस हो जाए। लगता है मेरा लकी डे। कैसे में? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वैसे तुम इस टाइम यहाँ के लिए क्या कर रही हो? अरे वो हम सब मिलकर बस मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और मैं कुछ अपना जरूरी सामान भूल गई थी। जब तक वो लेकर आई देखा कि मेरे सारे फ्रेंड्स जा चुके थे। अब बस मुझे जल्दी से डॉर्म रूम पहुंचना जिससे पहले मैम राउंड शुरू करे। रिलैक्स मैं हूं ना मैं तुझे डॉर्म रूम तक छोड़ दूंगा। By the way, तू इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। And one more thing, I really like. Really? Boss, मैं झूठ क्या बोलूँगा? Hey, I guess यहाँ कोई है। लगता है टीचर्स राउंड पर है। तो आप क्या करें? I guess टीचर्स का राउंड खत्म होने तक हमें क्लासरूम में वेट करना चाहिए। No, no, मुझे डॉर्म रूम जाना है। मुझे बहुत लेट हो रहा है। Trust me, मैं हूँ ना। मैं तुझे डॉर्म रूम में छोड़ दूँ। नो नो रोहित मुझे डॉर्म रूम जाना है ना। I'm already late। अरे मैं बोल रहा हूँ टीचर्स का राउंड जैसे खत्म होता है मैं तुझे छोड़ दूंगा। चल अभी क्लासरूम में चलते हैं। Guys, आज के लिए बस इतना काफी है। खत्म हो गई मूवी। अच्छा 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 ब्रो अगर ये बात मैं किसी को बता दूं बाहर तो किसको बताएगा? प्रिंसी को। अगर तू बताएगा ना सबसे पहले तू भी फंसेगा समझा? नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्यों बताऊंगा किसी को? गाइस हमें अपने डॉर्म से पहुंचना है कि इससे पहले कोई आ जाए। चलो चलो जब लाइब्रेरी में कोई था ही नहीं तो वो आवाज कहां से आई थी? सब लड़कियां आ गई इसका मतलब पार्टी तो खत्म हो गई होगी। पर ये सियाली कहाँ रह गई? देख के आती हूँ। इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? मैम
वो कहाँ जा रही थी? ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगी कि तुम कहाँ जा रही थी तो तुम कहीं नहीं जा सकती। गो बैक टू योर डॉर्म, अंदर जाओ और सो जाओ। स्याली कहाँ रह गई है तू? बात पूछ। हाँ पूछो ना। Do you like me or not? रोहित, ये सही वक्त नहीं है इन सब बातों के लिए, और वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। प्यार वक्त देख के नहीं आता, वो बस आ जाता है। रोहित, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है, एक बहुत ही अच्छी मूवी देखी, और वो मूवी देखते मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी याद आई। कौन सी मूवी? बहुत अच्छी फिल्म थी वो, और एक दिन मैं तुम्हारी और अपनी एक वैसी फिल्म बनाना चाहता हूँ। यार रोहित, एक्चुअली आई लाइक यू, बट लाइक और लव में बहुत डिफरेंस होता है। पर जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ वो मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता। रोहित छोड़ो मुझे, मैं सच कह रहा हूँ, सुनो। काम डाउन। आई रियली लव यू रोहित, लीव मी। बहुत पहले रोहित, हे ईश्वर, अच्छा हुआ यहाँ कोई नहीं है। अब बस मुझे जल्दी से अपने शयन कक्ष तक पहुँचना होगा। रुको, कौन है वहाँ पे? नहीं रुको, कहाँ जा रही हो तुम? रुको, लिसन। कामिनी मैम, लड़की मेरे लिए मुसीबत बन गई है, बहुत ठोकर मेरे पीछे पड़ गई है। कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। कामिनी मैम यूनिफॉर्म में क्या कर रही थी? इनके दिमाग में कब क्या चलता है वही जान। इनको समझना बहुत ही मुश्किल है। करते हुए मेरा चेहरा तो नहीं देख लिया? नहीं नहीं नहीं, नहीं देख पाई होगी, काफी दूर थी। पागल हो गए हो, ये क्या तरीका रोहित? फिर मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। रोहित तुम क्या कर रहे हो? रोहित प्लीज 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 दूर हटो उसे। ये क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे थे तुम? तुम ठीक हो रोहित? पागल हो गया तू, क्या कर रहा है? सेठ तू बाहर जा। क्यों? हाँ क्यों बाहर जाऊं मैं? तू करे तो प्यार और मैं करे तो बदतमीजी। क्या मतलब है तेरा? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? क्या समझते हो तुम, ये सब करके बच जाओगे? मैं तुम्हारी कंप्लेन प्रिंसिपल मैम से करने वाली हूँ। एक मिनट सर, अब बोल, क्या बकवास कर रहा था तू? क्यों फिर तू इतना क्यों भड़क रहा है? तू खुद तो मजे लेता है और मैं कर रहा हूं तो शरीफ बन रहा है। सब पता है तुम दोनों कितने सीधे हो। अब मुंह बंद कर समझा, वरना ना मैं। वरना क्या क्या करेगा तो फिर बता ना, इतनी रात को सैली के साथ क्या कर रहा था? और ये क्या, अपना जैकेट भी उसे दे दिया? वाह सियाली मैडम, आपको तो बहुत ठंड लग रही होगी। मुझ पर चिल्लाने से पहले तुम दोनों खुद में जा कर देखो तो तुम क्या कर रहे थे। और डूड, तेरे और मेरे केस में सिर्फ इतने फर्क है कि तेरी वाली मान गई और मेरी वाली नहीं मानी। यारी के बारे में आज के बाद मुझसे कोई बकवास नहीं करेगा, तू मैं तेरा मुंह।